नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि भगवान कहाँ पर हैं, किस जगह पर स्थित हैं, तो ये हम गीता से समझेंगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुनः तिष्ठन्ति, भ्राम्यांस सर्वभूतानां यंत्ररूढानि मायया। अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर अर्थात सबका शासन करने वाला नारायण समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है। जो शुक्ल स्वच्छ शुद्ध अंतरात्मा स्वभाव वाला हो, अर्थात पवित्र अंतःकरण युक्त हो, उनका नाम अर्जुन है। क्योंकि अहंस्य कृष्ण महाअर्जुना च, इस कथनों से अर्जुन शब्द शुद्धता का वाचक देखा गया है। वह ईश्वर कैसे स्थित है सो कहते हैं। समस्त प्राणियों के यंत्र पर आरूढ़ हुई चढ़ी हुई कठपुतलियों की भांति भ्रमता हुआ भ्रमण करता हुआ स्थित है। यह इस भांति शब्द अधिक समझना चाहिए। अर्थात जैसे यंत्र पर आरूढ़ कठपुतली आदि के खिलाड़ी माया से भ्रमता हुआ स्थित रहता है, उसी तरह ईश्वर सबके हृदय में स्थित है, इस प्रकार इसका शब्द है। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों का भ्रमण करता है। तो जैसे कि हमारे अंदर में आत्मा है जो कि हृदय में स्थित है, और वहाँ से वो अपनी चैतन्य शक्ति के अनुसार कार्य करते हैं, जिससे कि हमारा शरीर संचालित होता है। तो इससे बहुत ही ऊंचा ज्ञान है जिसको कृष्ण भगवान ने गीता में वर्णन किया, अर्जुन को बताया। जय श्री राम।